गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम ईवीएस का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, शरीर के जो हिस्से हैं वो क्या कार्य करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, हमारा शरीर कई हिस्सों से बना है। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शंस, शरीर का प्रत्येक हिस्सा विशेष कार्य करता है। सो ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूजफुल टू अस, तो शरीर का प्रत्येक अंग हमारे लिए उपयोगी है। यूजफुल क्या होता है? उपयोगी। लेट्स लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ सम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स क्या होता है? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स शरीर के जो बाहरी अंग होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। आइए शरीर के कुछ बाहरी अंगों के कार्य के बारे में जानें। फंक्शंस आर्म्स हैंड्स एंड फिंगर्स। अब हमने आर्म्स हैंड्स एंड फिंगर के कार्य के बारे में पढ़ना है। फंक्शंस क्या होते हैं? कार्य। आर्म्स क्या होती है? बाहें, हैंड, हाथ, फिंगर, उंगलियां। वी यूज अवर आर्म्स हैंड्स एंड फिंगर ऑल टूगेदर टू डू सम वर्क। हम कुछ काम करने के लिए अपनी बाहों, हाथों और उंगलियों का पूरी तरह से उपयोग करते हैं। वी होल्ड थिंग, हम चीज़ों को पकड़ते हैं। लिफ्ट थिंग, चीज़ों को उठाते हैं। पुश थिंग, चीज़ों को धक्का देते हैं। मेक थिंग, चीज़ों को बनाते हैं। क्लीन थिंग, चीज़ों को साफ करते हैं। ड्रा थिंग, चीज़ों को आकर्षित करते हैं। थ्रो थिंग्स, चीज़ों को फेंकते हैं। एंड हिट थिंग्स विद आवर आर्म्स हैंड्स एंड फिंगर्स, और चीज़ों को हमारी बाहों, हाथों और उंगलियों से मारते हैं। वी यूज अवर फिंगर्स एंड थम वाइल राइटिंग समथिंग, हम कुछ लिखते समय अपनी उंगलियों और अंगूठे का उपयोग करते हैं। वी वुड नॉट बी एबल टू राइट इफ वी डू नॉट हैव द थम, अगर हमारे पास अंगूठा नहीं है तो हम नहीं लिख पाएंगे। कैन यू ईट समथिंग इजिली विदाउट योर हैंड्स, क्या आप अपने हाथों के बिना आसानी से कुछ खा सकते हैं? नो। कैन यू इंडिकेट समथिंग इजिली विदाउट योर हैंड्स, क्या आप अपने हाथों के बिना आसानी से कुछ गिनित कर सकते हैं? नो। डिड यू नो, क्या आपको पता था? इट इज अवर ग्रिप विच मेक द टास्क इजी फॉर अस, ये हमारी पकड़ है जो हमारे लिए कठिन कार्य को आसान बनाता है। बच्चों, आज हम थर्ड लेसन को यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट का जो इसका आगे का लेसन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।